सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियां, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माँ काली। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, कैसे हैं आप? रोज दोपहर को 3 बजे, रात को 9:30 बजे आप लोगों की सेवा में आते हैं, फोन इन लाइव प्रोग्राम लेते हैं, फोन नंबर आपको दिया जाता है, आप उस फोन नंबर पे हमें कॉल करते हैं और हमसे रूबरू होते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, आपकी पत्रिका डिस्कस होती है और फिर उसके बाद आपको उपाय बताए जाते हैं। जरूर जुड़िएगा दोपहर को 3 बजे और रात को 9:30 बजे, आप लोगों की सेवा के लिए आते हैं हम, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय गुरु। आगे बढ़ते हैं, ये सेवक आपका यही चाहता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं कि जो भी साक्षी जी और मैं जो भी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लाते हैं वो आप लोगों को मिल जाए। इतनी सी बस चाह है हमारी, बस और कुछ नहीं। बहरहाल आज मैं आपको छोटी छोटी लेकिन बड़ी ही विशेष बातें बताने जा रहा हूं। उन बातों को करने से आपको जीवन में धन हानि नहीं होगी, शरीर हानि नहीं होगी, मानसिक परेशानी नहीं। जब भी हम कुछ गलत चीज करते हैं तो इसका इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है, वो किसी भी प्रकार से पड़ सकता है। सबसे पहले गणेश जी को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, बताना हमारा फर्ज है। आप देवी को दुर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। घास होती है जिसके 3 मुंह होते हैं, उसे दुर्वा बोला जाता है। देवी मैया को दुर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी भी घर में 2 शंख एक जैसे नहीं रखने चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु को तिलक में चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, कभी भी भूल से भी। घर के अंदर अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। आप मेरी बातों को ध्यान रखेंगे, अवश्य ही और अवश्य ही आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, जीवन में ज्यादा बड़ी परेशानियां नहीं आएंगी। छोटी छोटी सी बातें हैं किंतु विशेष रूप से आपने इन बातों का ध्यान रखना है। कभी भी घर में 3 संख्या में गणपति देव नहीं रखने चाहिए, यह भी विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। घर में खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। कई लोग कहते हैं हल्की सी साइड से टूट गई, रखे रखो, कोई बात नहीं। हल्की सी भी मूर्ति आपकी खंडित नहीं होनी चाहिए, यह विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। रविवार को तुलसी को तोड़ना बिल्कुल मना है और जल चढ़ाना बिल्कुल मना है। किस दिन? रविवार वाले दिन। विशेष रूप से इन बातों का आपने ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्ग। सुहागन महिला को चंदन का टीका नहीं लगाना चाहिए। सुहागन जो महिलाएं होती है उन्हें चंदन का टीका नहीं लगाना चाहिए। शंकर जी को कुमकुम मतलब रोली का तिलक नहीं लगाना चाहिए या चढ़ानी नहीं चाहिए। तुलसी को कभी भी आपने चबाना नहीं है, कभी भी आपने तुलसी को चबाना नहीं है, उसको आपने निगलना है। और कई बार मैंने देखा है लोग दीपक से दीपक को जला देते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। आपने दीपक से दीपक को नहीं जलाना है, विशेष रूप से। जैसे मैंने कई बार दिवाली पे भी लोगों को देखा है, जब हम तेल के दिए जलाते हैं या देसी घी के दिए जलाते हैं, हम दीपक से दीपक को क्या करते हैं, ऐसे करके दीपक से दीपक को जलाते हैं, ऐसा करना वर्जित है। मंदिर में जाते समय घंटा बजाना अलाउ है। मंदिर से आते हुए मैंने देखा है कई लोग घंटा बजाते हुए आते हैं, तो ये गलत है। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। दोपहर को 3 बजे और रात को 9:30 बजे लाइव पे जुड़ना ना भूलिएगा। फोन इन लाइव प्रोग्राम होता है, लाइव प्रोग्राम में आपकी कॉल ली जाती है, फोन नंबर दिया जाता है, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का निवारण ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आज्ञा ले लेता हूँ। राधे राधे।